समुंदर में तैरते परिंदे ने आसमान में उड़ती लोमड़ी के दुम पे बैठी शार्क ने अपनी नानी के साथ सेल्फी खिंचाई। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। सर कह रहे हैं कि वहाँ सन सिटी के स्टैचू के पास कोई कीको के नाम का अनजान पार्सल छोड़ गया है। सर को शक है कि उसमें शायद बॉम्ब है। किको, ये पार्सल सेफ है, इसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं है। हमेशा सतर्क रहने के लिए थैंक यू सुपर स्पीडो। यू आर मोस्ट वेलकम किको। किसी ने कितनी सुंदर पेंटिंग रखी है यहाँ पर, लेकिन इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है और इसे लेकर कौन आया यहाँ? अय्यो, हमको तो लगते ही कि ये किको और सुपर स्पीडो का किसी फैन ने भेजा है। क्या हुआ किको, जब से ये पेंटिंग आई है तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मुझे ये पेंटिंग थोड़ी अजीब लग रही है और जिस तरह से किसी अनजान इंसान ने इसे हम तक पहुंचाई है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई मकसद है, वरना ये पेंटिंग वो हमें सामने आकर भी दे सकता था। ये क्या है? ये पेंटिंग छोटे छोटे लेटर्स से बनी है। अरे हाँ, ये देखो, पूरी पेंटिंग में तो सिर्फ HELP ऐसे लेटर्स लिखे हैं। लगता है किसी बच्चे ने बनाई है। किको, तुम सही कह रहे हो, ये एक स्पेशल टाइप की पेंटिंग है। डोडो, कमरे की लाइट बंद कर दो। हाँ, हम लुका छुपी खेलने वाले हैं क्या? नहीं डोडो, किको जो करेगा उसे वन वर्ड में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। सुपर स्पीडो, पेंटिंग पर फॉर्मूला नंबर 35 लगा दो। यस ब्रो, मैं अभी अपनी सुपर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा रेस से इस पेंटिंग को स्कैन करता हूँ। कोई हमसे मदद मांग रहा है, ये बात तो समझ में आई, मगर इन नंबर्स का क्या मतलब है? सुपर स्पीडो, प्लीज इस मैसेज और नंबर्स की फोटो ले लो। डोडो, लाइट ऑन करो। कौन हो सकता है जिसे तुम दोनों की मदद की जरूरत है? मैं बताता हूँ, मैंने इस पेंटिंग के कैनवस में लगी लकड़ी को स्कैन किया है। ये एक स्पेशल टाइप की लकड़ी है जो सिर्फ हांगकांग में पाई जाती है। यानी ये पेंटिंग हांगकांग से आई है, मगर भेजी किसने है? सुपर स्पीडो, क्या तुम हांगकांग के फेमस पेंटर्स के बारे में पता लगा सकते हो? व्हाई नॉट, गिव मी 2 मिनट्स। वैसे तो हांगकांग में बहुत सारे पेंटर्स है, मगर इस तरह से लेटर्स से पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ एक ही पेंटर फेमस है, निकोलस माइक। इसमें उनका फोन नंबर भी दिया है। सुपर स्पीडो, उन्हें कॉल करो। हेलो हेलो निकोलस अंकल, मैं किको बोल रहा हूँ। आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी भेजी हुई सीक्रेट पेंटिंग मिल गई है। आप घबराइए मत, मैं और सुपर स्पीडो अभी आ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। निकोलस माइक अंकल ने तो कॉल कट कर दी। मुझे लगता है वो जरूर किसी न किसी मुसीबत में है। हमें जल्द से जल्द हांगकांग जाना होगा, मगर हम हांगकांग में जाकर उनसे मिलेंगे कहाँ? किको, ये देखो, हांगकांग की न्यूज़पेपर की कटिंग। कल वहाँ के एक बड़े आर्ट सेंटर में निकोलस माइक की पेंटिंग डिस्प्ले होने वाली है। फिर तो हमें हांगकांग जाना ही होगा। आर्ट सेंटर तो कितना बड़ा है, वन वर्ड में कहूँ तो मैसिव। मैसिव से भी ज्यादा मैसिव, वेरी वेरी मैसिव, जस्ट लाइक दिस बर्गर। हेलो निकोलस अंकल, मैं हूँ किको और ये मेरे दोस्त हैं। किको, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी जान खतरे में है। पर अंकल बात क्या है? दरअसल मैंने पेंटिंग्स बना बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तो अब कोई है जो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे ढेर सारे पैसे नहीं दिए तो वो मुझ पर हमला कर देगा। उसने मुझ पर नजर रखी हुई है, इसीलिए मैंने तुम्हें वो सीक्रेट पेंटिंग भेजी हुई थी। ये लोग इतनी जोरदार तरीके से गोलियां चला रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह नो, लगता है वो लोग निकोलस अंकल को उठा ले गए। चलो सुपर स्पीडो, जल्दी से उनके पीछे चलो। बड़ी, इनकी गोलियों का जवाब बॉम्ब से दो। नहीं सुपर स्पीडो, उन गाड़ियों में से एक कार में निकोलस माइक अंकल भी है, उन्हें चोट लग सकती है। अभी बचने के लिए फॉर्मूला नंबर 76 लगाओ। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 76। मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। उस गाड़ी के पास ले चलो, उसमें निकोलस माइक अंकल है। ठीक है। निकोलस माइक अंकल, क्या ये आपका घर है? हाँ बच्चों, चलो अब सब अंदर चलो। ये है मेरा घर, जो मैंने बड़ी मेहनत से पेंटिंग्स बना बनाकर और उन्हें बेचकर कमाए हुए पैसों से बनाया हुआ है। यहाँ टोटल कितने लोग रहते हैं? वेल किको, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मेरे अलावा कुछ नौकर चाकर हैं बस। पूरी मोरी मदर, आधी सन सिटी आके रह सकती है यहाँ पर। कुछ खा लेता हूँ। आपको जब किसी ने धमकी दी थी तो आपने अपने लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी? क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम दोनों सही वक्त पे आकर मुझे बचा लोगे और आज तुम दोनों ने उनकी पूरी गैंग खत्म कर दी। हाँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं। ये देखो, ये है मेरी वर्कशॉप। मैं अपनी सारी पेंटिंग्स इसी कमरे में बनाता हूँ। अब चलो, तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। सुपर स्पीडो, चुपके से पेंटिंग्स की फोटो ले लो। क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन किको, तुमने और सुपर स्पीडो ने आज निकोलस माइक अंकल के दुश्मन की बैंड बजा दी, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है हम अभी भी असली प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाए हैं। तुम लोगों ने निकोलस माइक अंकल की वर्कशॉप देखी थी, वहाँ ना ही पेंट रखा हुआ था और ना ही ब्रश और ना ही जमीन पर किसी पेंट का निशान था। अगर कोई पेंटर अपनी वर्कशॉप में पेंटिंग बनाता है तो ये नामुमकिन है। करेक्ट, किको की ये बात करेक्ट से भी ज्यादा करेक्ट है। इसी बात पे खा लेता हूँ एक कैरेट। निकोलस माइक अंकल की बनाई हर पेंटिंग के नीचे उनका सिग्नेचर है, लेकिन जो पेंटिंग उन्होंने हमें सन सिटी भेजी उसके नीचे उनका सिग्नेचर नहीं था। क्यों? किको, ये देखो मुझे क्या मिला। अब मैं वो फोटो दिखाता हूँ जिसमें हेल्प वाला मैसेज था। अब निकोलस माइक के सिग्नेचर को देखो, यानी उस पेंटिंग में छुपा मैसेज किसी और ने लिखा है, निकोलस माइक ने नहीं। यानी हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और साथ ही साथ निकोलस माइक अंकल पर नजर भी रखनी होगी। और इन नंबर्स का क्या मतलब है, ये अभी तक समझ नहीं आया। हाँ? अच्छा हुआ सब सो गए, अब मैं अपना काम आराम से कर पाऊंगा। निकोलस माइक तो निकल गए। अब फॉर्मूला नंबर 127 लगा के उनका पीछा करो। ऑलराइट बडी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 127। लेट्स गो फॉर अ राइड। निकोलस माइक अंकल तो उस नो डोर कासल की ओर जा रहे हैं। नो डोर कासल, ये क्या होता है? डोडो, नो डोर कासल वो कासल है जिसमें कोई डोर नहीं है। आज तक उसके अंदर कोई नहीं जा पाया है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि नो डोर कासल में एक खास तरीके से जाया जा सकता है। ठीक है, तो नो डोर कासल के पास जाकर ट्राई करते हैं। निकोलस माइक अंकल कहाँ गए? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा अंदर जाने का। इस कासल के चक्कर मार कर देखते हैं, शायद कोई दरवाजा मिल जाए। कैसे हो लुइस द ग्रेट पेंटर? निकोलस, मैंने अपनी बनाई सारी पेंटिंग्स तुम्हें दे दी, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुमने मुझसे चालाकी की है। तुमने मुझसे छुपकर वो पेंटिंग कीको को क्यों भेजी जिसमें तुमने उससे हेल्प मांगी? वो तो अच्छा हुआ कि कीको को लगा कि वो पेंटिंग मैंने उसे भेजी है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। मुझे पता था कि वो जरूर आएगा मुझसे मिलने, इसीलिए मैंने अपने आदमियों से उसके स्वागत का पूरा इंतजाम किया था और कीको और सुपर स्पीडो पर हमला किया, मगर मेरी चाल उल्टी पड़ गई। हाँ। पिछले 15 सालों से तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैंने जब जब भागने की कोशिश की तब तब तुम्हारे आदमियों ने मुझे पकड़ के बुरी तरह मारा। तुम्हें मैं आखिर और क्या करता? वही जो आज तक करते आ रहे हो। तुम पेंटिंग्स बनाओ और मैं उसके नीचे अपनी साइन करके उसे अपने नाम से बेच दूंगा और लाखों करोड़ों कमाऊंगा। तुमने तो इतने सारे पैसे पहले ही कमा लिए, अब तो मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से नहीं कहूँगा कि वो पेंटिंग्स तुमने नहीं मैंने बनाई है। जाने दूंगा लुईस, जरूर जाने दूंगा। बस एक बार मैं इस दुनिया का सबसे अमीर पेंटर बन जाऊं, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। देखना निकोलस, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी और वो सजा तुम्हें किको और सुपर स्पीडो देंगे। हाँ, वो क्या सजा देंगे मुझे? वो तो मेरे मेंशन में मजे कर रहे हैं। अब बकवास बंद करो और इस पेंटिंग को जल्दी से पूरा करो, मुझे कल इसे बेचना है लुईस। हाँ? तस्वीर में दिए गए नंबर्स के हिसाब से हम सही कोऑर्डिनेट्स पर हैं, मगर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो देखो, दिख गया। क्या रास्ता? नहीं, नाश्ता। वो देखो, ग्रेप्स लगे हैं वहाँ। मानना पड़ेगा, डोडो को इतने अंधेरे में भी खाने पीने की चीजें दिख जाती है। पूरी मोरी मदर रास्ता छुपाता ग्रेप्स के अंदर। हाँ? सुपर स्पीडो, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लाइट्स ऑन करो। ठीक है। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 11 एक्टिवेट करके इनका सामना करो। ठीक है। मानना पड़ेगा तुम दोनों को, आखिरकार तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन ना अब यहाँ से तुम लोग कभी वापस जा सकोगे और ना ये लुईस। ये अंकल कौन है? अब जब तुम लोग भी यहाँ कैद रहने वाले हो तो बता ही देता हूँ, लुईस की ही बनाई हुई पेंटिंग्स में अपने नाम से बेचकर ढेरों पैसे कमाता हूँ और वो हेल्प मी वाली पेंटिंग भी लुईस ने ही तुमको भेजी थी। निकोलस माइक, तुम जो कर रहे हो वो रॉन्ग है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज लुईस अंकल को छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। आओ, आकर लेके जाओ। अब देखते हैं सुपर स्पीडो कि असल में तुम में कितना दम है। क्योंकि अब आ रही है मेरी किंग मॉन्स्टर गाड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम वो पेंटिंग भेजते, ना कीको और सुपर स्पीडो यहाँ आते। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लुइस। लगता है अब मुझे मेरी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कीको और सुपर स्पीडो, थैंक यू सो मच। आज तुम दोनों की वजह से मैं सालों बाद आजाद हो पाया। नो प्रॉब्लम अंकल, आप चलिए, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि निकोलस माइक की बनाई सारी पेंटिंग्स उनकी नहीं बल्कि आपकी है। अब जिसका काम होगा उसी का नाम होगा।